welcome everyone to my youtube channel i hope you all are fine and i also hope that my videos are giving you benefits and uh, today i am here with a new q card and that is describe a competition you would like to take part in a competition ko describe participate karna in the future and the bullet points for this q card are what kind of competition it is a competition वट वुड यू लाइक टू डू इन द कॉम्पटिशन क्या करना चाहोगे आप उस कॉम्पिटिशन में मीन्स क्या करना पसंद करोगे उस कॉम्पिटिशन में एंड द लास्ट वन बुलेट फाइंड इज वाई डज द कॉम्पिटिशन इंट्रस्ट यू क्यों आपको वो कॉम्पिटिशन जो है वो इंटरेस्टिंग लगता है एंड दिम्पल आंसर फॉर दिस क्यूकर इज कॉम्पिटिशन हेल्प्स हाउ वी वॉन्ट टू शो देअर हिडन टैलेंट्स कॉम्पिटिशन हर एक पर्सन की हेल्प करते हैं उनके हिडन टैलेंट्स को शो करने के लिए Apart from it, it also teaches us big lessons and drives us to be the best we can be. इसके अलावा ये हमको big lessons सिखाते हैं और हमको प्रेरित करते हैं best करने के लिए जो हम कर सकते हैं If I talk about myself from my childhood, I have taken part in various competitions. अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरे childhood से ही मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है ऑल द आई डिडन्ट विन ऑल द कॉम्पिटिशन्स चाहे मैंने सभी कॉम्पिटिशन्स को जीता नहीं है बट माई पेरेंट्स हैव थॉट मी डेट पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन विनिंग मगर मेरे पेरेंट्स ने मुझको सिखाया है कि पार्टिसिपेट करना जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीतने से दैट्स वाई वैदर क्विज कॉम्पिटिशन विच इज़ हेल्ड एवरी ईयर बाय द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ आर सिटी इज अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर मी अ हा नट टू क्रैक इज अडियो विच मींस अ थिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विद इसीलिए चाहे जो एक क्विज कॉम्पिटिशन है जो हर साल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा करवाया जाता है मेरे लिए जीतना डिफिकल्ट है दैट आई वुड लाइक टू टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन फिर भी मैं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ दिस कॉम्पिटिशन इज बेस्ड ऑन द जनरल नॉलेज एंड क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी पुट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एज वेल एज कंट्री ये कॉम्पिटिशन जो है वो जनरल नॉलेज पर बेस्ड है और और इसमें क्वेश्चन जो हैं है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड सच एज सोसाइटी की और कंट्री की डेवलपमेंट से रिलेटेड भी पुट किए जा सकते हैं आई हैव कवर्ड द फर्स्ट पुलट पॉइंट Like what kind of competition it is? It is a quiz competition uh, which is related to the general knowledge, and in this competition, the question related to the development of the society as well as country can also be put. And the second bullet point is uh, what would you like to do in this competition? Is competition me up and karuke? According to competition, where teams with the group of three members go through the four stages of this competition to win it. इस कंपटीशन के अकॉर्डिंग हर एक ग्रुप जो है थ्री मेंबर्स का होगा और हर एक टीम को फोर स्टेजेस में से गुजरना पड़ेगा कंपटीशन को जीतने के लिए विद माय टू फ्रेंड्स आई वुड टेक पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन मैं अपने टू फ्रेंड्स के साथ इस कॉम्पिटिशन uh, में पार्टिसिपेट करूंगा एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड इफ आई क्लियर द रिटर्न टेस्ट दैन इन इन कॉम्पिटिशन आई वुड लाइक टू गिव द करेक्ट आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन अगर गॉड की grace के साथ मैं रिटर्न टेस्ट जो कि एंट्रेस्ट है, उसको क्लियर कर जाता हूं. तो फिर कंपटीशन uh, में मैं हर एक क्वेश्चन का uh, जो करेक्ट आंसर देना पसंद करूँगा एक्चुअली आई फील फियर एंड कांट स्पीक इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस मगर ज़्यादातर मुझे फियर फील होता रहता है और मैं ऑडियंस के सामने बोल नहीं सकता हूँ बट शो दिस कंपटीशन मगर इस कंपटीशन के द्वारा आई वुड लाइक टू ओवरकम माई फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इस कॉम्पिटिशन के थ्रू मैं अपना जो फियर है पब्लिक स्पीकिंग का उसको भी ओवरकम करूंगा आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू कन्विंस द जजेस मैं अपनी बेस्ट कोशिश करूंगा जजेस को कन्विंस करने के लिए ना वट इज आई एम बर्निंग मिड नाइट ऑयल इट इज़ एन एरियम विच मीन्स टू स्टे अ प्लेट एट नाइट टू वर्क और स्टडी आज कल मैं रात को जाकर स्टडी कर रहा हूँ सो दैट आई कैन गेट इन्स एंड आउट्स इट इज अगेन एन एरियम विच मीन्स डिटेल्स ऑफ एवरी आस्पेक्ट हेल्प मीटू इन द कॉम्पिटिशन सो दैट मैं डिटेल्ड नॉलेज प्राप्त कर सकूँ हर एक आस्पेक्ट की जो मुझको हेल्प करेगा कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए दर्ड बुलेट फाइंट इज वाई डिस कॉम्पिटिशन ट्रस्ट यू क्यों इंट्रस्टिंग लगता है competition आपको दिस कॉम्पिटिशन एट्रैक्ट्स मी अलॉट बिकॉज फॉर दिस कॉम्पिटिशन फर्स्टली पर्सन हेज टू पास द रिटर्न टेस्ट ये कॉम्पिटिशन मुझको अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि इस कॉम्पिटिशन के लिए पहले तो हर एक पर्सन को रिटर्न टेस्ट जो है वो पास करना पड़ता है I gave that test last year but couldn't pass due to having less knowledge. I gave test test last year magar pass not pass due to knowledge. Thi. And nowadays my friends usually pull my leg. It is an idiom which means make fun of by saying that I can't participate in it. And nowadays my friends make fun of me by saying party uh, I competition not participate in this competition. So that's why I am leaving no stone unturned. It is again an idiom which means try every possible way to improve my knowledge. This competition will not only help me to overcome my shyness but also help. टू सिक्योर माई फ्यूचर ये कॉम्पिटिशन मुझको सिर्फ इतनी ही हेल्प नहीं करेगा कि मैं अपने फीयर को अपने शाइनेस को ओवरकम कर लूँ मगर इसके साथ साथ मेरे फ्यूचर को भी सिक्योर करेगा बिकॉज नॉलेजबल पर्सन इज़ ऑलवेज नीडर इन एवरी टाइप ऑफ जॉब क्योंकि नॉलेजेबल पर्सन हर एक टाइप ऑफ जॉब में चाहिए होते हैं सो दैट इज़ आ कॉम्पिटिशन इन विच आई वुड लाइक टू टेक पार्ट सो यही कॉम्पिटिशन है, so like so है जिसमें मैं फ्यूचर में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ और पार्टिसिपेट करना पसंद करूँगा so it's a uh, sample answer and i have used a lot of idioms and these kind of idioms will definitely put an impact on your band scores and now i am going to share with you a follow-up questions and the first one is what kinds of people are, competitive? people are competitive? those people are competitive who want to show their superiority on others and have some talent and confidence that they can do सम थिंग और उनमें कुछ टैलेंट होता है और कॉन्फिडेंस होता है कि वो कुछ कर सकते हैं वेर आर सम चिल्ड्रेन आर फोर्स बाई पेरेंट्स एंड टीचर्स टू टेक पार्ट इन कॉम्पिटिशन एंड इन दिस वे समटाइम्स दे गैट टू नो अबाउट देर हिडन टैलेंट्स इसके अलावा कुछ बच्चों को पेरेंट्स के द्वारा और टीचर्स के द्वारा कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स किया जाता है और इस तरीके से उनको पता चलता है उनमें जो हडन टैलेंट्स हैं एंड सेकेंड वन क्वेश्चन इज़ वट काइंडफ़ एक्टिविटीज़ एंड कॉम्पिटिशन्स पीपल लाइक टू टेक पार्ट इन किस तरह के एक्टिविटीज़ और कॉम्पिटिशन्स में लोग पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं एंड द आंसर इज देर आर वेरियस काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन इन विच पीपल लाइक टू पार्टिसिपेट तरह तरह के कॉम्पटिशन हैं जिनमें लोग पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं जैसे कि सिंगिंग डांसिंग पेंटिंग स्पोर्ट्स क्विजेस एंड ड्रामाज एक्सेट्रा समाइम्स पीपल कम्पीट विद ईच अदर इन द फील्ड्स ऑफ स्टडीज एंड जॉब्स इसके अलावा कभी कभार लो, लोग जो है कंपटीशन करते हैं स्टडीज के फील्ड में और जॉब्स के फील्ड में एंड द थर्ड वन क्वेश्चन इज वट काइंड कॉम्पिटिशन आर पॉपुलर इन योर होम टाउन आपके होम टाउन में किस तरह के कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो पॉपुलर हैं एंड आंसर इज डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटिशंस आर पॉपुलर इन माई होम टाउं सच एज कुकिंग एनअल इन्वायरमेंट कॉम्पिटिशन अदर एक्टिविटीज़ लाइक सिंगिंग डांसिंग पेंटिंग स्पोर्ट्स क्विजेस एक्सेट्रा जैसे कि कुकिंग और एनुअल जो इन्वामेंट कॉम्पटिशन होता है वो जिसमें तरह तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि सिंगिंग डांसिंग पेंटिंग स्पोर्ट्स क्विजेस एक्सेट्राइ फोर्थ वन फॉलप क्वेश्चन इज़ वाई डू यू थिंक देर आर मैनी कम्पटिशन प्रोग्राम्स ऑन टी वी टॉम टी वी पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्पटिशन प्रोग्राम्स क्यों हैं एंड द आंसर इज़ देर आर मैनी कम्पिटिशन प्रोग्राम्स बिकॉज पीपल लाइक टू सी कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स कॉम्पिटिशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स इसलिए हैं क्योंकि लोगों को कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स देखना अच्छा लगता है अपार्ट फ्राम इट चैनल्स अर्न मोर दैन स्पेंडिंग थ्रो दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स इस तरह के प्रोग्राम से चैनल जो है अर्न ज़्यादा करते हैं स्पेंडिंग से एंड सच प्रोग्राम्स टॉन नीट मच प्लानिंग और इस तरह के प्रोग्राम्स को ज़्यादा प्लानिंग की भी जरूरत भी नहीं पड़ती सो इट्स आर लास्ट Follow up questions. Now, the follow up question and the sample answer both are complete. I hope you like my video. And if you like my video, then like it, uh, share it with others, and also comment below. And also subscribe my channel. Thank you.